में रेड क्लिप लैब के द्वारा जीन टू द जिन लैब का शुभारंभ किया। नोएडा में रेड क्लिप लैब्स की जीनी टू द जीन को लॉन्च किया। वास्तव में अपनी तरह की पहली है, जो डॉक्टर और मरीज के लिए सभी जेनरेटिंग टेस्ट और कंसल्टेंट के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी। इस नई सर्विस के लॉन्च के साथ ही रेड क्लिप्स जेनेटिक्स ने नॉर्थ इंडिया में पहली एडवांस जेनेटिंग लैब का नोएडा में उद्घाटन किया। रेड क्लिप द्वारा भारत की पहली जेनेटिक लैब के उद्घाटन के मौके पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि रहे राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम और डॉक्टर भारत भूषण डिप्टी सीएमओ गौतम बुद्ध नगर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। मुकेश गुप्ता, नोएडा, समाचार 24। यूएस की और यूरोप की उनको अपनी लैब में ले आए, जो अपनी लैब देखी इनॉग्रेट हुई है। ये वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट कंपनीज हैं जो जीनोमिक्स में और जेनेटिक्स में डील करती हैं। इसके थ्रू हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि धीरज ने बताया आप सबको, कि दो तीन तरह की चीजें हैं जो आज भी अनएड्रेस्ड हैं। एक है प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के अंदर आप देखते होंगे बच्चे डाउन सिंड्रोमिक बच्चे पैदा होते हैं। हर एक 11वां या 12वां बच्चा डाउन सिंड्रोमिक है हमारे कंट्री के अंदर, हमें पता भी नहीं चलता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो पता चलता है कि इसको डाउन सिंड्रोम है। उसका सिंपल रीजन है कि एक सिंपल सा टेस्ट जो हम लोग नहीं करते हैं, अभी अवेयरनेस नहीं है करने की, बिकॉज ऑफ टू रीजन। एक तो कॉस्ट है और दूसरा है कि उसकी एजुकेशन या उसको पॉलिसी में इस तरह से नहीं रखा गया कि ये मैंडेटरी कर दिया जाए। सो उसके लिए जो हमारी लैब है ये कमिटेड है कि एटलीस्ट टू ऑल दी 27,000 गाइनीज इन द कंट्री जो आज की डेट में प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास हम इस टेस्ट को लेके जाएं इन अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, ताकि इसको अप्रोचेबल किया जा सके। इसके दो फायदे हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में है तभी पता चल जाएगा क्या उसको डाउन सिंड्रोम है नहीं है, जिसको हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के नाम से भी जानते हैं। इस कंट्री के अंदर तीन प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ज़्यादा परसीव करती हैं। क्रोमोसोम 13, 18, 21 पाई जाती हैं, पड़ाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम, जिसमें डाउन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा उसके केसेस मिलते हैं। इसके अलावा अगर कोई बच्चा फैमिली में ऑलरेडी है जिसको प्रॉब्लम है, चाहे वो डाउन है चाहे वो रेयर डिजीज में आता है, उसे कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए आपको सिक्वेंसिंग करनी पड़ती है। जीन इज द ओनली वे, जीन ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आपकी फैमिली के अंदर प्रॉब्लम क्या है। और ये जीन कहाँ से आते हैं, हमारे पेरेंट्स से आते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से आते हैं। तो वो हमारी फैमिली में कभी ना कभी कहीं ना कहीं रहा है वो प्रॉब्लम, जो अब दिख रहा है उसको जानने के लिए वो सिक्वेंसिंग करनी पड़ती है। तो जो मशीन ऊपर आई है वो सिक्वेंसिंग को क्या करती है कि 10 टाइम, आज से 3 साल पहले जो कॉस्ट थी वर्सेस टुडे जो कॉस्ट है, उसको 10 टाइम लोअर कर देती है। उससे वो कॉस्ट इफेक्टिवली डॉक्टर के पास पहुंचता है, पेशेंट्स के पास पहुंचता है। आप सबको पता है कि हमारे देश में अभी भी इंश्योरेंस नहीं है हेल्थ केयर में, सबके पास तो नहीं है, और टेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं है, और जेनेटिक डायग्नोस्टिक अभी भी इंश्योरेंस का हिस्सा नहीं है। सर बैठे हैं, मैं चाहता हूँ इस बात को उठाएं अपने फोरम में कि जेनेटिक डायग्नोस्टिक को, कैंसर डायग्नोस्टिक को एटलीस्ट इंश्योरेंस के माध्यम से देश तक पहुँचाया जाए, ताकि इसकी जो जितना कुछ मैंने सुना अभी, चाहे धीरज से सुना हो चाहे आशीष जी से सुना, मुझे एक ही चीज़ लग रहा है कि शायद हमारे देश का फ्यूचर और जो मुस्तकबिल बोलते हैं बहुत अच्छा हो सकता है, अगर इसको जितना ज़्यादा प्रोपोगेट करें, जितना ज़्यादा इसको एवरी हाउस होल्ड तक इस चीज़ को पहुंचाने में हम कामयाब हो। मैं अपने सरकार की तरफ से और खुद मैं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैं रेड क्लिफ की टीम को वहाँ सरकार के जो चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर हो या सही प्लेटफॉर्म पे ले जाने का काम करेंगे, ताकि इस चीज़ को बढ़ावा मिल सके, इस चीज़ को अफोर्डेबिलिटी के बारे में उनका है। इसलिए मैंने भी एक बार टेस्ट कराया था इसमें रेड क्लिफ लाइफ में, तो ये कह रहे थे अभी कि हजारों में कॉस्ट कम हो जाती है, तो मुझे अच्छा लगा। उस वक्त मुझे लग रहा था इतना कॉस्ट में कौन कराएगा, इसलिए मैं विक्टिम हूँ उसका। मैंने पैसा बहुत बड़ा पे लाखों में पे किया था, लेकिन उससे मुझे बहुत सारी जानकारी इसलिए कि मैं जीन में क्या क्या कमी है, क्या बेहतर है, क्या चीज़ हो सकता है, क्या चीज़ नहीं हो सकता है। मेरे अपने बारे में अगर इतनी जानकारी मुझे एक कोई टेस्ट से पता चल जाए जो कि जनरली नहीं था यहाँ पर, तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के बारे में कह रहे कि बच्चा पैदा होने से ही पहले पता चल जाए तो उसमें क्या हो सकता है, या उसका करेक्टिव जो है कोर्स करेक्शन जो हो सकता है वो लिया जा सके, तो मेरे ख्याल से ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक मोमेंट है रेड क्लिफ के लिए भी, देश के लिए भी और देश की जनता के लिए भी, कि कुछ ऐसी चीज़ें जो है हुई है, शायद नॉर्थ इंडिया में या ईस्ट इंडिया में अभी नहीं था जैसा आशीष जी कह रहे थे, लेकिन वेस्टर्न इंडिया में है। लेकिन अभी भी मैं इतना जरूर कहूंगा कि शायद अहमदाबाद में हो या किसी और जगह हो, लेकिन जो अवेयरनेस होना चाहिए, जो लोगों में इसकी जानकारी होना चाहिए, या फिर अफोर्डेबिलिटी की वजह से जानकारी नहीं थी, मेरे ख्याल से
आगे आने वाले दिनों में रेड क्लिफ के इस इनिशिएटिव से, और सरकार, मैं कमिट कर रहा हूँ कि सरकार को मैं इस चीज का जरूर संज्ञान में लाऊंगा कि ये जो है इनिशिएटिव लिया है, इसलिए कि सरकार ने भी इस चीज को आइडेंटिफाई किया है कि जो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट डिजीज के लिए सरकार ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। ऐसा नहीं कि सरकार इसके बारे में चिंतित नहीं, सरकार बहुत चिंतित है, इसलिए कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए अगर आज ऐसी चीजें निकले जिससे उनको ठीक किया जा सके, तो सरकार ने 3 स्कीम बनाई है। एक स्कीम है जिसमें ऐसे बच्चे जो कि एक बार में ठीक हो सकते हैं, या ऐसे लोग जो इस डिजीज से, रेयरेस्ट डिजीज से जो के विक्टिम हैं और जूझ रहे हैं, उनको एक बार में ठीक किया जाए। वैसे इनिशिएटिव सरकार ने लिया, उसके लिए जो है सरकार जो है फाइनेंशियल सपोर्ट। अलवर में